कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बैंगन का भरता, उसकी रेसिपी। तो चलिए आज इसको बनाना शुरू करते हैं। बैंगन का भरता बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है बैंगन, और जिस पर मैंने छुरी से लगा ली है कट। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से मैंने इस पर कट लगा ली है। और इसके ऊपर जो है मैंने हल्का सा ऑयल लगा लिया है, और अब इसको जो है मैं चूल्हे पे जला लूंगी इसकी स्किन को। और इसको जो है थोड़ी थोड़ी देर में आप इस तरह अलट पलट करके हर तरफ से जो है इसकी स्किन को जला लें। तो इसको मैं जला लेती हूँ, और जब ये रेडी होता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि एक तरफ से कितनी अच्छी स्किन जो है बर्न हो गई है। अब इसी तरह हम जो है ये दूसरा बैंगन भी इसको भी टर्न कर लेते हैं। इसकी भी देखिए एक साइड कितनी अच्छी सी स्किन जो है इसकी जल चुकी है। इससे जो है हमारे भरते में बहुत ही मज़ेदार जो है स्मोकी टेस्ट आने वाला है। तो अगर आपने आज से पहले इसको इस तरीके से नहीं बनाया तो इसको ज़रूर ट्राई करें। तो अभी दूसरी तरफ से भी इसकी ज़रा स्किन जल जाती है, तो अच्छी तरह जो है फिर हम इसको ठंडा होने रखेंगे, और फिर हम इसकी स्किन जो है ऊपर से उतार लेंगे। तो अभी दूसरी साइड से भी बना लेती हूँ अच्छा सा, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। जलने के बाद छिलका कितनी आसानी से खुद ब खुद जो है स्किन जो है बैंगन से सेपरेट हो रही है। तो ये जो है दोनों बैंगन अच्छे से जो है अब पक चुके हैं दोनों साइड से। तो बस अब इन्हें हम निकाल के मैं इसको रख लेती हूँ ट्रे में, ताकि जो ठंडे हो जाएंगे तो फिर इसका जो है हम ऊपर से स्किन को हटा लेंगे। तो ये जो है हम रख देते हैं ऐसे कि ये ठंडे हो लें, और फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं कि टमाटर का छिलका भी मैंने अच्छा सा जला लिया है। तो बस इसको भी ठंडा होने देते हैं, और इसको मैं पील ऑफ करती हूँ, और उसके बाद जो है फिर मैं आपको भरते की अगली रेसिपी देती हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने टमाटर के छिलके को भी अच्छा सा जो है जला लिया है, और अब इसको भी मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी, और फिर इसका जो है छिलका हम कर लेंगे पील ऑफ, और उसके बाद जो है हम आगे अपना भरता बनाएंगे। तो जो है अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ती हूँ, और फिर मैं आपको आगे जो है भरता बनाते हैं इसे। बैंगन का भरता जो है आगे बनाने के लिए तो मैंने रखी है कढ़ाई जो है चूल्हे पे। मैं शामिल कर दूंगी 1/3 कप जितना ऑयल। तो इसमें जो है ऑयल शामिल कर देते हैं। अब ऑयल को होने देते हैं गरम, और फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। साथ ही इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1/2 टीस्पून जितना जीरा, सफेद जीरा है ये शामिल कर दिया है। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज, जो कि मैंने एक लार्ज प्याज लेके बारीक इसको कट किया हुआ है। तो ये डाल देते हैं, और इसको थोड़ा सा पकाते हैं। तो अब इसको पकाती हूँ, और फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। शामिल कर दूंगी लहसुन और अदरक की पेस्ट, ये मैंने 1 टेबलस्पून भर के लिया था। इसको भी थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे कि हमारी जो रॉ स्मेल है लहसुन और अदरक की वो फिनिश हो जाए। तो इसको ज़रा भून लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। थोड़ा सा भूनने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी टमाटर, जो जला के मैंने छिलका उतार लिया था, और इसको इस तरह मैंने चॉप कर लिया था। तो ये टमाटर हम शामिल कर देंगे इस मसाले में। और इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ, यहाँ पे मैंने लिए है 2 टीस्पून सूखा धनिया, 1.5 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट है, 1/2 टीस्पून कुटी मिर्च है, 1 टीस्पून जो है ये कश्मीरी लाल मिर्च है, और 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम जो 1/3 टीस्पून आप कह रहे हैं कि ये हल्दी का पाउडर है, और 1/2 टीस्पून जो रेगुलर रेड चिली है, और 1 टीस्पून गर्म मसाला है। तो नमक मिर्च जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा वो आपकी अपनी चॉइस है। तो अब इसको थोड़ा सा मैं भून लेती हूँ, और फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अब इसको थोड़ा सा भूनने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे अपने बैंगन। ये बैंगन को मैं शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें जो है थोड़ी सी दही भी शामिल कर सकते हैं, 1-2 टीस्पून फेंट के वो भी डाल सकते हैं, लेकिन आज मैं वो नहीं शामिल कर रही। तो इसको जो है आप बैंगन क्योंकि ऑलरेडी गले हुए हैं पके हुए हैं, तो ये इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे कुक होने के लिए। तो बस इसको जो है अच्छा सा मैं भून लेती हूँ,
5 से 10 मिनट तक इसको अच्छा सा भून लेते हैं कि बैंगन और तमाम मसाले जो हैं अच्छे से मिक्स हो जाएं और यकजा हो जाएं और इसका जो टेस्ट है आ जाए। तो इसको थोड़ा सा भुनाई करते हैं 10-15 मिनट तक और फिर जो है मैं आपको दिखाती हूँ। बस इसमें अब मैं शामिल कर दूंगी हरी मिर्चें और हरा धनिया, वो आप अपनी चॉइस से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने हरी मिर्चें थोड़ी ज़्यादा डाली हैं क्योंकि मुझे भरते में मिर्चें ज़्यादा पसंद है। तो ये जो है इसको मैं अच्छा सा कर लेती हूँ मिक्स और इसके बाद मैं करती हूँ इसको डिश आउट और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल। पसंद आई होगी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। और मेरे चैनल को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।